और रुक कर लेते हैं इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की चुनावी जनसभा से जुड़ी बड़ी खबर और अपडेट आपको बताते चले। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर पहुंच चुके हैं, मैनिफेस्टो को जनता के बीच लॉन्च किया जाएगा। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस आज अपना मैनिफेस्टो जनता के बीच रखेगी। जयपुर से मैनिफेस्टो जनता के बीच रखा जाएगा। आप देखना है कि लोगों से जुड़े कितने मुद्दे इस मैनिफेस्टो में होते हैं, घोषणा पत्र में होते हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर आज बड़ी जनसभा होने वाली है। यहां पर सोनिया गांधी पहुंच चुकी है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस वक्त जयपुर पहुंचे हुए हैं। आज कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी, जिसे लेकर बेहद खास तैयारियां की गई है। और कांग्रेस का दावा है कि ये वो मैनिफेस्टो है जिसके दम पर हम इस बार कमाल करके दिखाएंगे। और जो लगातार बीजेपी 25 की 25 सीटें अपने खाते में करती आ रही है, वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे और इस बार कांग्रेस की जीत होने वाली है। तो कुछ ही समय में मैनिफेस्टो जारी होने वाला है कांग्रेस की ओर से। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सोनिया गांधी पहुंच चुकी है जयपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस वक्त जयपुर में मौजूद है। कुछ ही समय में कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। लोकसभा के चुनावी रण में चुनावी शंखनाद किया जाएगा कांग्रेस की ओर से, जब सोनिया गांधी कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी करेंगी। देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में कौन कौन सी बातों को शामिल किया जाता है, कौन कौन से बड़े वादे किए जाते हैं जनता से। मंच से तस्वीरें देखिए, बेहद खास तैयारियां मंच पर कर ली गई हैं। कांग्रेस न्याय पत्र 2024, इससे पहले राहुल गांधी की ओर से न्याय यात्रा निकाला गया, जहां पर बड़े बड़े आरोप लगाए गए बीजेपी पर कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, और इसी को लेकर राहुल गांधी की ओर से न्याय यात्रा निकाला गया। और ये न्याय पत्र के नाम से इसे पेश किया जा रहा है, न्याय पत्र 2024 अपने मैनिफेस्टो का नाम रखा है कांग्रेस ने। विशाल जनसभा का भी आयोजन हो रहा है, जहां पर मंच से सोनिया गांधी हुंकार भरेंगी और इसके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी चूंकि जयपुर पहुंच चुके हैं, वो भी कुछ ही समय में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार इस बड़ी खबर पर न्यूज 18 की नजर बनी रहेगी। सबसे पहले आपको बताएंगे कि मैनिफेस्टो में कौन कौन सी बड़ी बातें हैं, और मैनिफेस्टो को लेकर हम ये भी बताएंगे कि इनमें कौन कौन सी वो बातें हैं जो आपसे तारुफ रखती हैं, जो आपसे जुड़ी हुई हैं, जिनका फायदा आपको अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो जरूर मिलेगा। ये देखिए तस्वीर, यही वो जगह है जहां पर कुछ ही समय में जनसभा को संबोधित करेंगी सोनिया गांधी, और भीड़ वहां पर काफी ज्यादा है। जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो भी अपने बीच दिग्गजों को पाकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। चूंकि राजस्थान से कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही है, तो इसे लेकर जो राजस्थान में कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो भी काफी ज्यादा खुश हैं और इसके साथ साथ उत्सुक भी नजर आ रहे हैं। तो कुछ ही समय का वक्त रह गया है जब सोनिया गांधी कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी करेंगी, और कई बड़े ऐलान और वादे कांग्रेस की ओर से घोषणा पत्र के जरिए किए जाएंगे। अब देखना है कि क्या इसमें फ्री बीज भी दिए जाते हैं लोगों को, जो मुफ्त की योजनाएं होती हैं, क्या इसके जरिए वोट बैंक साधने की कोशिश की जाती है कांग्रेस की ओर से, लोगों के हित में कौन कौन से बड़े ऐलान किए जाते हैं। सहयोगी आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, कुछ ही समय का वक्त कांग्रेस की ओर से मैनिफेस्टो जारी किया जाना है, आज क्या तैयारियां वहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं वहां पर, क्या चल रहा है इस वक्त? अभी दिग्गज जो है वो जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं। अब 10 से 20 सेकंड के अंदर ये लोग आप देख पा रहे हैं कि जो है वो बाहर की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे प्रमोद तिवारी जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सचिन पायलट हैं, वो यहाँ पर अंदर मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अंदर मौजूद हैं, स्वागत के लिए पहुंचे हैं उनके, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के। और साथ ही साथ ये तीनों दिग्गज जिसमें सोनिया गांधी भी शामिल है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल है, और आपके जो है प्रियंका गांधी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो एक बड़ा जो है वो कांग्रेस का लवाजमा यहाँ से विद्याधर नगर की तरफ, स्टेडियम की तरफ रवाना होगा। इतने सारे दिग्गजों का एक साथ जुटना, न्याय पत्र की घोषणा करना, अपने आप में चुनाव को लेकर बहुत बड़े संकेत देने की कोशिश है कांग्रेस की तरफ से। अब ये संकेत देने में कांग्रेस कितनी कामयाब रह पाती है, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो इस समय बाहर आ रहे हैं।
और उनके साथ ही जो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आप देख पाएंगे, वो भी निकल रहे हैं। प्रियंका गांधी जो है वो निकल रही है, उनके पीछे सचिन पायलट भी आपको जो है वो नजर आएंगे। कोशिश करेंगे प्रियंका इन दिग्गजों से बात करने की, क्योंकि लवाजमा बड़ा है। सोनिया गांधी भी आपको जो है वो नजर आएंगी इस समय, हमारी कोशिश उनसे बात करने की। गोविंद सिंह डोटासरा भी साथ में है, ये तस्वीरें इस समय। बिल्कुल, तो जयपुर एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं सोनिया गांधी को तस्वीरों में, मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ मौजूद है, और इसके साथ साथ पूर्व सीएम अशोक गहलोत से लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहाँ पर पहुंची हुई है। तो तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो इस वक्त जयपुर में पहुंचे हुए हैं। राजस्थान का जो रण है वो सजकर तैयार हो चुका है, और देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा कि जीत किसे मिलती है, क्योंकि तैयारियां तो सभी पार्टियों की ओर से की जा रही है। एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं सोनिया गांधी भी राजस्थान के रण में पहुंच चुके हैं, और कुछ ही समय में चुनावी शंखनाद मंच से करेंगे। और सबसे अहम दिन आज कांग्रेस के लिए इसीलिए है क्योंकि आज कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर सोनिया गांधी इस वक्त जयपुर एयरपोर्ट पहुंची हुई है। उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद है एक ही गाड़ी से। ये सभी आगे की ओर बढ़ते हुए और इसके बाद सीधा पहुंचेंगे सभा स्थल, जहां पर जनसभा का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में वहां पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। कुछ ही समय का वक्त रह गया है, 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, 26 अप्रैल को दूसरे चरण पर मतदान होना है, और जो पार्टी हैं अलग अलग वो अब पूरी तरीके से रण में हुंकार भरती हुई नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले और सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं, और जब मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा कांग्रेस की ओर से तो कौन कौन सी बड़ी बातें, इसका विश्लेषण भी सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखाएंगे लगातार दिन भर की मैनिफेस्टो में कौन कौन सी बड़ी बातें रही हैं। तो जो कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता हैं वो अब एयरपोर्ट से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, यहां से सीधे वो जनसभा की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे का। उनके साथ पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद हैं। तो एकता का संदेश देने की कोशिश जो तमाम दिग्गज कांग्रेसी नेता हैं वो सभी जयपुर पर वेलकम करने के लिए पहुंचे, और इसके बाद अब जनसभा की ओर बढ़ते हुए। आसिफ लगातार नजर बनाए रखिएगा, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। और दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से जुड़ी है बड़ी खबर और अपडेट आपको बताते चले। रोड शो का नया कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ है, 12 अप्रैल की शाम 4 बजे दौसा में रोड शो प्रस्तावित किया गया है। सोमनाथ सर्किल से गुप्तेश्वर सर्किल तक ये रोड शो निकाला जा सकता है।